अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता। आज कुछ स्पेशल मन किया बनाने को, तो ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं, जस्ट छोला और पूड़ी मैं बना रही थी। तो आज के व्लॉग में आपको कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। हमेशा मैं व्लॉग डालती हूँ कि हम लोग कहीं गए हैं वीकेंड पे, तो वो सब, बट आज का व्लॉग है नॉर्मल डेली रूटीन क्या रहता है। तो यहाँ पूड़ियाँ भी मेरी बन चुकी थी और छोला भी ऑलमोस्ट रेडी था, जस्ट उसमें कोरिएंडर लीव्स डाल के उसे गार्निश करना था। और छोले भी काफ़ी टेस्टी बने थे, और छोला मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कभी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये जल्दी बन भी जाता है। तो मॉर्निंग में आप फटाफट से इसे नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा कच्चे प्याज और इमली की चटनी के साथ सर्व करें ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और आज वीकेंड था तो सोचा कि थोड़ा घर को भी डीपली क्लीन किया जाए, तो वो भी हो गया था और कुछ गार्बेज थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी डंप करके आ जाते हैं। अभी तक तो आप हमारे सिर्फ ट्रैवल व्लॉग ही देखते आ रहे थे, बट मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं और इस तरह की वीडियो भी बनाते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे दूसरे कंट्री में हम कैसे रहते हैं, किस तरह से अकेले चीज़ों को सब कुछ मैनेज करना होता है। और इसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई और अभी लंच में मैं बना रही हूँ राइस, दाल एंड आलू पालक। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो सब्ज़ियाँ मिलती है वो यहाँ पे मिलती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर भी है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो भी ब्रांड के हैं, दाल चावल और सब्ज़ियाँ मसाले वगैरह, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है ईज़िली। मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ कि इंडियन ग्रॉसरी हम लोग कहाँ से लेके आते हैं और किस तरह के स्टोर्स हैं यहाँ पर और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बट ये पालक मैं इंडियन स्टोर से लेकर नहीं आई थी, यहाँ पे एक होलसेल स्टोर है कॉस्को, मैं वहाँ से लेकर आई थी। वहाँ पे पालक काफ़ी अच्छे और फ्रेश मिलते हैं, तो जस्ट आपको लेके आना होता है उसे वॉश करके एंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बल्क में मिलती है, तो ये ज़्यादा ही थी, तो मैंने कुछ की थोड़ी सब्ज़ी बना दी और कुछ जो बची हुई थी तो उसको मैंने जस्ट ग्रीन चिली एंड जिंजर डालकर थोड़ा ग्राइंड कर लिया और एक थिक सा पेस्ट बना के रख लिया, जिससे कि आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, आटे वगैरह में डाल के रोटियाँ या पूड़ी बना सकते हैं। और इसे डोसा बैटर में भी डाल के आप एक हेल्दी डोसा भी बना सकते हैं। और इस तरह से पेस्ट बना के रख लेने से ना, आप इसे लंबे टाइम तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी लंच भी रेडी हो गई थी, और लंच में मैंने दाल चावल, आलू पालक, ऑमलेट एंड एक रायता भी बनाया था, और रायता में जस्ट मैंने क्यूकम्बर और थोड़ा बीटरूट ग्रेट करके डाल दिया। तो लंच के बाद हम आए थे एक फ़ूड फेस्टिवल में, जो कि हलाल फूड फेस्टिवल थी, और हमारे किसी फ्रेंड ने ही हमें बताया कि यहाँ पर आज न्यू जर्सी में ही एक हलाल फूड फेस्टिवल है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देख कर आते हैं कि किस तरह का फ़ूड फेस्टिवल है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी पार्किंग इशू थी, तो आपको जस्ट इस तरह ही पार्क करना होता है, कहीं कहीं पे रोड साइड ही पार्किंग होती है, और रोड साइड पार्किंग में इस बात का ध्यान रखना होता है कि इससे किसी के घर का एंट्रेंस ब्लॉक नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने भी अपने कार को इसी तरह से पार्क कर दिया यहाँ पे, बिकॉज जो पार्किंग एरिया थी ना वो कम्प्लीटली फुल हो चुकी थी, तो वहाँ स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर पार्क कर देते हैं और यहाँ से वॉक करते हुए चले जाएँगे। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बहुत गर्मी थी उस दिन। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कहने को तो ये हलाल फूड फेस्टिवल थी, बट यहाँ फूड के अलावा कपड़े भी बहुत सारे थे, मतलब आपको एथनिक वेयर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के फेस्ट में कपड़े मिल रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव ही होंगे, बट मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो मैंने भी यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया है। और ये जो शॉल मैं देख रही थी ना, ये पश्मीना शॉल थी और इसमें फुल वो हैंडवर्क किया हुआ था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और मैं यहाँ पे उस लेडी से यही पूछ रही थी कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो वो बता रही थी कि $75 से स्टार्टिंग है और $400 तक का उनके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
फूड में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया, बस एक दो चीज़ें ही खाई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, तो हमारा तो उसी में पेट फुल हो गया। तो हमें एक दो चीज़ें और ट्राई करने का मन था, तो हम लोगों ने सोचा कि उसे पैक करवा लेते हैं जैसे कि वो रात में हमारा डिनर हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ से वो चीज़ें पैक करवा ली थी, फिर हम यहाँ से चले। तो ये हमारा आज का डिनर है जो कि हम लोगों ने वहीं से पैक करवा ली थी। और यहाँ पे इसी तरह का प्लेटर देते हैं, राइस भी रहता है, रोटी भी रहता है, चिकन वगैरह और सैलेड भी बहुत सारा रहता है। तो काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था ये। और ये है मेरी शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की थी, तो दो तीन स्कार्फ़ थी और एक सूट और एक अतर ली थी जो कि उसकी फ्रेगनेंस हमें बहुत अच्छी लगी, तो सोचा कि चलो ले लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी बट आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी आगे इस तरह के वीडियोस आएंगे जिसमें आप लोगों को यहाँ का कल्चर और यहाँ की चीज़ें ये सब देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आपको इसी तरह आगे भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, तो चैनल पे बने रहिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।